प्रस्तुति बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं गुंजन। हाजिर मार्केट क्षेत्र आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों को समेटे। खबरों की शुरुआत सुर्खियों से। ट्रेनों से चेकिंग के दौरान बरामद 213 लीटर शराब, जिलाधिकारी के निर्देश पर नष्ट। सड़क मार्ग से सख्ती पर ट्रेनों से होती है शराब की कालाबाजारी। दरभंगा टावर का बदला बदला नजारा। अतिक्रमण पर पुलिस की सख्ती से लौट आया टावर अपने पुराने सौंदर्य रूप में। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से माइक्रोबायोलॉजी सेंटर का हुआ उद्घाटन। चिकनगुनिया, ड्रिंगिंग समेत सभी बीमारियों का जांच अत्याधुनिक मशीनों से संभव। 3 महीने तक सुरक्षित रहेगा सैंपल। अधिकारी के निर्देश पर बरामद 213 लीटर शराब को नष्ट किया गया। तू डाल डाल मैं पात पात, इसी तर्ज पे चल रहे हैं शराब के तस्कर। सड़क मार्ग से शराब की कालाबाजारी जारी है। सड़क पर सख्ती के कारण कारोबारी अब ट्रेन मार्ग से इस व्यापार को कर रहे हैं, जिसकी सूचना मिलते ही विभिन्न ट्रेनों में चेकिंग के दौरान शराब की बरामदगी हुई। जिलाधिकारी के निर्देश पर बरामद 213 लीटर शराब को नष्ट किया गया। रेल थाना दरभंगा में विभिन्न थाना कांड संख्याओं में जब्त देसी एवं विदेशी शराब को आज करीब 200 कुछ लीटर को बिना सुरक्षित वीडियोग्राफी कराते हुए सुरक्षित स्थान पर नष्ट कर दिया गया। तरह से विभिन्न गाड़ियों के द्वारा लोगों के द्वारा लाया गया था, जिसे जीआरपी पुलिस द्वारा उसे पकड़ा गया था। जिला पदाधिकारी से आदेश प्राप्त कर उसको विनष्ट किया गया था। आदेश अनुसार जिला अधिकारी महोदय श्री राकेश कुमार उनका प्रतिनिधित्व किया गया था शराब के नष्टीकरण के लिए, जिनके समय शराब का नष्टीकरण 213 लीटर शराब का नष्टीकरण किया गया। इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि इसका दुरुपयोग ना हो, मानव हित को देखते हुए इसका नष्टीकरण किया गया। राह दिखाने के बाद टावर सुंदर और चौड़ा नजर आ रहा है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हम बात कर रहे हैं अतिक्रमण के संदर्भ में। किसी ने ठीक ही कहा है, अगली लड़ाई पानी और पार्किंग के लिए होगी, और पार्किंग के लिए तो लड़ाई हुई, दंगा फसाद भी हुआ, विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हुई। टावर से सटे सुभाष चौक से लेकर भगत सिंह चौक तक और अतिक्रमण का बाजार ऐसा पसरा जिसके सामने प्रशासन बौना नजर आने लगा। लेकिन 1.5 माह पहले एसएसपी का पद संभालने वाले वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने
जब तेवर दिखाया, प्रशासन का हथौड़ा चला, तो अतिक्रमण का बाजार सिमटता हुआ नजर आया। दरभंगा टावर उसका उदाहरण है। इन्होंने पार्किंग की व्यवस्था दिखा दी, जल निकासी की व्यवस्था का रास्ता दिखा दिया और फुटपाथ पर जो ठेले वाले थे उन्हें सही जगह दिखा दिया। ये अलग बात है कि इन पर आरोप लग रहा है कि पक्का अतिक्रमण कब हटेगा, बड़े लोगों पर हथौड़ा कब चलेगा, इसका इंतजार है। अन्यथा एक वर्ग इनसे नाराज है। नाराजगी और चाहत के बीच दरभंगा टावर की सूरत बदली। बड़े बड़े नेता से लेकर विधायक महापौर तक दरभंगा टावर की सूरत नहीं बदल सके। अतिक्रमण का बाजार पसरता नजर आया। वहां वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार की पैनी निगाह गई। दरभंगा टावर तो एक उदाहरण है। इन्होंने पार्किंग की व्यवस्था को दिखा दिया, जो अतिक्रमणकारी थे उन्हें सही रास्ता दिखा दिया। टावर की सड़कें चौड़ी दिखने लगी, सुंदर सा दृश्य दिखने लगा। दरभंगा टावर जो दरभंगा का हृदय स्थली है, नए रूप में नजर आने लगा। जिन वाहन के मालिक या चालक नहीं थे उन्हें हवा खोल दी गई ताकि दोबारा वे ऐसा काम न करें। कुछ ही दूरी पर हसन चक में नगर निगम की पार्किंग है, वहां पर गाड़ी लगाने का निर्देश दिया गया। हेलमेट चेकिंग ने तो दरभंगा को शहर होने का एहसास पहले ही करा दिया है और यह अभियान लगातार जारी है, चाहे वह स्टेशन रोड हो, लहरिया सराय टावर या फिर अन्य जगह। बात हटाने की ही नहीं हुई, सामानों को जब्त करने की कार्रवाई भी उनके द्वारा गठित दस्तों ने की और मुकदमा का दौर भी चला। दोबारा अतिक्रमण करने वालों की सूची भी बन रही है, जिन्हें मुकदमे के लिए बराबर हाजिरी देनी होगी और थोड़ी सी भी ढील हुई तो फिर जेल की हवा भी खानी पड़ेगी, दंड तो अलग लगेगा। जो बेतरतीब ढंग से प्रचार प्रसार वगैरह करके दरभंगा टावर की सूरत बदली गई, उसे भी संवारने की कोशिश। अब देखना है कि नगर निगम प्रशासन हमेशा परेशान रहा कि उसे पुलिस का सपोर्ट नहीं मिलता है। सपोर्ट तो मिला, इस सुंदर टावर को सुंदर बनाए रखने में नगर निगम कितना सक्षम होता है। अब देखना यही है क्या नगर निगम प्रशासन, महापौर, इस संदर्भ में जो मदद मिल रही है पुलिस से, वो मदद लगातार लेते रहते हैं या फिर इस SSP के जाने के बाद वही स्थिति हो जाती है। मानसून आने को है, अब अगली लड़ाई पानी की निकासी के लिए होगी। जहां नालों पर अतिक्रमण है उसे हटाने की भी व्यवस्था का संकेत SSP ने दे दिया है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने भी एक तरह से हामी भर दी है। अब देखना है कि नगर निगम इन लोगों की मदद कहां तक ले पाता है और फिर दरभंगा टावर 115 साल पहले के नक्शे में चौड़ा नजर आता है या फिर वर्तमान कुछ सालों में जिस तरह से सिकुड़ता हुआ नजर आया, सिकुड़ता ही हुआ ही रह जाता है। यहाँ की परिपाटी हो गई है कि अपने दुकान को लोग गोदाम बना लेते हैं, फुटपाथ को दुकान बना लेते हैं और बाजार पसार लेते हैं। मानो पसरा नहीं बाजार तो ग्राहक नहीं आएगा, और ग्राहक जब आएंगे तो उनका वाहन कहाँ लगेगा इसकी किसी को चिंता नहीं। बड़े बड़े मॉल खुल गए, बड़े बड़े ऑफिस खुल गए, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं। आदेश होता वहाँ वहाँ हम लोग सीनियर साहब का जहाँ जहाँ आदेश होता वहाँ वहाँ हम लोग साफ करते हैं। यहाँ तो रोज आते हैं हम लोग, दोनों समय आते हैं। कौन कौन से समय? ये टावर तर और ये सब पूरा शहर भर साहब का, बड़िए साहब, SP साहब का आदेशानुसार जहाँ जहाँ साहब कहते हैं वहाँ वहाँ रोज होता है। बाहर हुआ है अब तक, बहुत पहले लगा रहता था, अब सब हटा लिया है। आने के बाद सब हटा लेता है। शाम के समय काफ़ी भीड़ होता है। शाम के समय भी हम लोग आते हैं, जब हम लोग आते हैं तो नहीं रहता है, सब हटा लेता है। बड़े बड़े पदाधिकारी आए चले गए, कितने जनप्रतिनिधि आए चले गए, टावर अतिक्रमण मुक्त पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। इस बार बिल्कुल चरम सीमा पर है और उनके SSP द्वारा गठित टीम पूरे तेवर में है। ऐसे में देखना है यह बरकरार कितने दिनों तक रहता है। दूसरी समस्या जल जमाव की है। बड़ा नाला किला घाट का सफाई हो चुका है, इसे लिंक करने की ज़रूरत है और अगर यह हुआ तो टावर पर जल जमाव भी नहीं होगा। दरभंगा टावर का पुराना सौंदर्यीकरण
सुंदर रूप में दरभंगा टावर दिखेगा और इतिहास पुनः इसकी सुंदरता को बिखेरेगा। यह तभी संभव है जब नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से जो यह सहयोग मिलता रहा उसे लेता रहे। वीरेंद्र कुमार, पीटीएन न्यूज। हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी के भतीजा की शादी सादगीपूर्ण समारोह के बीच होगी। दलेश मुक्त समाज निर्माण का एक उदाहरण साबित होगा। 22 जून को लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी के सामने इस विवाह स्थल बनाया गया है, जिसका निरीक्षण करने पहुंचे एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता, डीएसपी अनोज कुमार और लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी दहेज मुक्त अभियान का गवाह बनेगा। यह 22 तारीख को हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी के भतीजे की शादी है। उस दिन इस शादी रात में नहीं होगी, बाराती होगी लेकिन बाजा बत्ती नहीं होगा। सादगी का प्रतीक बनेगा। शिरकत करेंगे सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, ऐसी संभावना है। और इस संभावना के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे सदर एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता और डीएसपी अनोज कुमार। कारकेट की व्यवस्था होगी, किस रूप से वीआईपी जाएंगे। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री के आने की विधिवत सूचना नहीं है, लेकिन संभावना देख अभी से प्रशासन हरकत में आ गया। मालूम रहे कि हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी की यहाँ दो बार शादी में और एक बार उनके भाई की मौत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके शिवाजी नगर स्थित आवास पर आए थे। इस बार विवाह कुछ अनोखे ढंग से है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बेटे की शादी भी दिन में ही हुई थी और दिन के उजाले में ही यह शादी विवाह का आयोजन रखा गया है। 22 तारीख को दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक परिणय सूत्र में बंधेंगे और इसके गवाह बनेंगे हजारों लोग, जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री भी, ऐसी संभावना है। मुख्यमंत्री हेलीपैड पर उतरेंगे। अगर उनके आने का कार्यक्रम निश्चित हुआ तो उसके 2 दिन पहले सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी जिला प्रशासन की ओर से सदर एसडीओ ने ली। अनोज कुमार भी उनके साथ मौजूद थे। टेंट किस तरह से बनेगा और जब भीड़ अधिक हो जाएगी तो प्रशासन को जो मशक्कत करनी पड़ेगी उसे आसान करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। लगभग 2500 लोगों को निमंत्रण दिया गया है और हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी, जिनके क्षेत्र से भी लोग आएंगे और दरभंगा शहर में भी उनका दबदबा है, इसके लिए प्रशासन अभी से परेशान है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जब आ जाएंगे तो भीड़ को नियंत्रण करने में प्रशासन का पसीना छूटेगा। उसे आसान करने के लिए प्रशासनिक पदाधिकारी नए वीडियो जिन्होंने पदभार संभाला है वो भी साथ थे। मुख्यमंत्री का काफिला किस ओर से निकलेगा और किस ओर से वापस जाया जाएगा, इसकी जानकारी ली सदर एसडीओ और डीएसपी ने। शादी है, इसी में तैयारी चल रहा है और जो टेंट वगैरह लग रहा है हल्का फल्का, जैसे साइड घेरा मारना है, वो सब काम चल रहा है। प्रशासन के लोग भी आए थे, सुरक्षा के देखे कौन से कि फील्ड में कैसे क्या देख के गए और कल तक में सारा काम क्लियर हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, इसी नीमत हम लोग देख रहे थे। फिर कौन में मेरे लिए आम और खास दोनों का ख्याल रखना जरूरी है। जो भी आएंगे मेरे लिए सब खास है, तो उसमें आपको जानना चाहते हैं कि खास कौन आएंगे। प्रशासन का गतिविधि से लगता है कुछ खास लोग आएंगे। कौन लोग है वो खास लोग? खास लोग मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, विधायक है, सांसद है, मंत्री है, सब खास है। हम मेरे लिए आम जनता खास है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री की जानकारी हो जाएगा, अभी संभावित सूचना है, तो उसी निमित्त तैयारी चल रही है। पहले बताएं कि माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधायक, विधान परिषद सदस्य, शहर के गणमान्य लोग, हमारे खास मेहमान आम जनता, जिनको हम निमंत्रण दिए हैं वो लोग आएंगे, उसके लिए तैयारी। मान लीजिए खास लोग के लिए तो छोटा सा जगह में हम तैयारी कर सकते थे, लेकिन हमारे लिए विशेष खास है, उसके लिए फील्ड व्यवस्था देखने आए। अगर मुख्यमंत्री आने के बाद कार्यक्रम जो होती है तो निमंत्रित लोग आते हैं,
जिनको हम आमंत्रण देके बुलाए हैं उनका सुविधा के लिए तैयारी तो करेंगे ही। हम विशेष आयोजन बड़ा आडम्बरपूर्ण नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब बुलाए हैं कार्यक्रम में तो उनका मान सम्मान हो, उस ख्याल से हम तैयारी। मुख्यमंत्री के आने का अभी तक नहीं आया है, कल तक आ जाना चाहिए। अगर आएंगे तो कल आपको भी मालूम होगा, हमको भी मालूम हो जाएगा, शहर को भी मालूम। क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी को आने का संभावना बन रही है? जिस तरह से प्रशासन निमंत्रण देते हैं और जिनको निमंत्रण देते हैं समय सुविधा के अनुसार वो निमंत्रण पूरते हैं, तो वो हमसे अच्छा जवाब तो वो दे सकते हैं, लेकिन वहाँ तक तो आपका पहुँच नहीं है। जो संभावना क्योंकि आपके माध्यम से पहुँच है वहाँ तक, निश्चित रूप से जो माध्यम है प्रशासन का आना जाना है, उससे लगता है कि संभावित है, आ भी सकते हैं। अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध विधायक अमरनाथ गामी को जब सूचना मिली कि प्रशासन सुरक्षा के दृष्टिकोण से मंच का जायजा लेने पहुंचे, तो वह मोटरसाइकिल से ही वहां आ गए और उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो सभी खास हैं, हमारे आम भी हमारे लिए खास हैं, जिनकी बदौलत हम जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, और प्रशासन के लिए खास हैं, मुख्यमंत्री से लेकर माननीय विधायक तक, उनके लिए भी इंतजाम देखना है और आम और खास दोनों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन को पूरा सहयोग देंगे। विधायक अमरनाथ गामी ने अपना प्लान बताया, सुरक्षा की दृष्टिकोण से प्रशासन को जानकारी दी, जिसकी अंतिम रूपरेखा कार्यक्रम मिलने के बाद ही होगी। बहरहाल खास आए ना आए, आम की भीड़ होगी, चूंकि यह शादी कुछ खास है, दिन में कुछ बात तो जरूर है इसमें। दिन के उजाले में दहेज मुक्ति अभियान को बढ़ावा देने के लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए विधायक अमरनाथ गामी ने अपने भतीजे की शादी दिन के उजाले में तय की है, जिसमें कोई तोहफा नहीं लिया जाएगा, भोजन नहीं होगा, सिर्फ अल्पाहार से स्वागत होगा और एक नया इतिहास बनेगा, लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी, 22 जून की दोपहर। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से माइक्रोबायोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया है दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। वर्कशॉप के आयोजन पर बताया गया कि चिकनगुनिया, ड्रेगिंग से बचाव एवं टेस्ट कैसे किया जा सके। केंद्र सरकार द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से माइक्रोबायोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया है दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। वर्कशॉप के आयोजन पर बताया गया कि चिकनगुनिया, ड्रिंगिंग से बचाव एवं टेस्ट कैसे किया जा सके। 1,82,00,000 की लागत से बने इस अत्याधुनिक सेंटर में सैंपल को 3 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकेगा, चाहे वह कोई भी बीमारियों की जांच से संबंधित क्यों ना हो। VRDL लेबोरेटरी स्थापना के लिए फंड उपलब्ध कराया गया था, जिसमें कॉमन वायरल बीमारियों का जांच हो सके कि कौन सा बीमारी से ग्रसित हैं। उसके लिए करीब करीब 1.25 करोड़ का बजट था। उन्होंने लेबोरेटरी बना करके उसको उस तरह से इक्विप करके आज उसका उद्घाटन समारोह शुरू कर रहे हैं। उसे उपलक्ष्य में CME प्रोग्राम है, जिसमें डिफरेंट इम्पोर्टेंट वायरल डिजीज के बारे में वर्कशॉप किया जा रहा है, और इसके बाद से बहुत कम ऐसा बीमारी होगा जिसके लिए हम लोग को बाहर भेजना पड़ेगा सैंपल जांच के लिए। अधिकांश वायरल डिजीज का यहीं पर जाँच हो जाएगा और डायग्नोसिस भी हो जाएगा। कहाँ पर मतलब इसमें डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, जापानी इंसेफ्लाइटिस हुआ, इस तरह की बीमारियां जो हैं, जो कि अक्सर इनका आउटब्रेक होता है, एपिडेमिक्स होता है, मतलब संक्रमण संक्रामक हो जाता है, तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि इनका डायग्नोसिस हम लोग ससमय कर सकें ताकि उपचार भी उसी हिसाब से हो सके। तो एक वर्कशॉप का आयोजन है और उसी तीनों बीमारियों से संबंधित एक CME का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख वक्ता पांडिचेरी से आए हैं डॉक्टर राहुल धोलावकर, वहाँ के प्रोफेसर हैं, वहाँ के सुपरवाइजर भी हैं इस लेबोरेटरी के। इस लेबोरेटरी को VRDL कहा जाता है, इस लेबोरेटरी के वो संचालक भी हैं, तो से हम लोगों ने सोचा कुछ इससे लाभ होगा, इसलिए इनका टॉक होगा इस पर। कितने की लागत?
डेढ़ करोड़ की लागत है और बाकी भी इसमें स्टाफ वगैरह लिए गए हैं उनका जो है सब चीज़ को हम लोग सोचें कंसिडर करेंगे लगभग 1 करोड़ 82 लागत ये अभी पड़ रहा है। अभी तक ICMR इसको 5 साल तक जो है सो फंडिंग करेंगे और 5 साल के बाद ये राज्य सरकार को ये ट्रांसफर करेंगे। किससे फायदा ये होगा कि कोई भी एपिडेमियोलॉजिकल आउटब्रेक होगा जैसे डेंगू चिकनगुनिया रोटा वायरस इसका हम लोग आउटब्रेक का वहाँ पे जाके हम लोग मालूम कर पाएंगे सैंपल लाके लैब में जा करके कि वहाँ आउटब्रेक हुआ है। इससे होगा कि वो बीमारी का ट्रांसमिशन भी हम लोग रोक पाएंगे कि हाँ इसको कैसे जनहित में कोई भी चीज़ बता के कि कैसे इससे प्रिवेंशन लेना है कैसे ट्रीटमेंट है इसके लिए हम लोग एपिडेमियोलॉजिकल आउटब्रेक के लिए लैब और रिसर्च पर्पस के लिए ज़्यादा है। पेट्रोलियम पदार्थों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद ने प्रतिरोध मार्च निकाला। पेट्रोलियम पदार्थों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के आह्वान पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद ने प्रतिरोध मार्च निकाला। प्रधानमंत्री का पुतला फूंका लहरिया सराय टावर के निकट। देश के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों पर मूल्य वृद्धि के सवाल पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रदर्शन प्रतिरोध मार्च और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया जा रहा है यह और इसी क्रम में हम लोग यहां धरना स्थल से जुलूस निकाले हैं हजमा चौराहा होते हुए टावर चौक होते हुए आयुक्त कार्यालय के समक्ष नरेंद्र मोदी का दहन किए हैं। आप जानते हैं यहीं भारत के अंदर अभी 73 रुपये डीजल बिक रहा है और बगल में नेपाल के अंदर वही डीजल 40 से 45 रुपये लीटर बिक रहा है। इस तरह का अंधेर भारत के अंदर नरेंद्र मोदी के द्वारा हो रहा है। जब दुनिया के अंदर तेल की कीमतें घट रही थी भारत सरकार उस पर एक्साइज ड्यूटी एवं अन्य तरह का कर बढ़ाकर तेल के कीमत में बेतहाशा वृद्धि करता गया। आज पूरे देश का किसान परेशान है, पूरे देश का मजदूर परेशान है, पूरे देश की जनता परेशान है। पेट्रोल के मूल्य वृद्धि के खिलाफ पूरे देश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है जो मुकेश अंबानी के इशारे पर GST के दायरे से बाहर पेट्रोलियम पदार्थों को रखकर और बेतहाशा मूल्य वृद्धि कर किसान मजदूर आम आवाम को महंगाई के महंगाई में झोंके हुआ है और पूरे देश को लूटने का काम कर रहा है। आज हमारे किसान सभा के राज्य के उपाध्यक्ष साथी राम कुमार झा जी भी यहाँ मौजूद हैं और पूरा बिहार में पूरा देश में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नरेंद्र मोदी का प्रतिरोध मार्च कर पुतला दहन करने का काम किया है और अगर अभी इस पर भी नरेंद्र मोदी नहीं चेता तो पूरे देश में जनता उग्र आंदोलन करेगी। पूरा देश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लाल झंडा के नेतृत्व में पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रतिरोध मार्च भ रहा है। पूरा देश में महगी के जे हाल भ गई है, बेरोजगारी नहीं रुकल, नरेंद्र मोदी के एकटा वादा पूरा नहीं भले, के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है और वही आक्रोश के प्रतिरोध में कम्युनिस्ट पार्टी लाल झंडा आई पूरा देश में रोड पर उतरल छी। वही क्रम में दरभंगा में सेहो पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के खिलाफ पुतला दहन नरेंद्र मोदी के कमिश्नर के समक्ष कैल गेल है और आंदोलन आगा दिन तेज हेते। कम्युनिस्ट पार्टी विपक्ष में आक्रोश के नेतृत्व कर मैदान में आबि गेल। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, केंद्र सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में राजद ने धरना दिया पोलो मैदान के धरना स्थल पर। देश भी जिंदाबाद, 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 मेघा एक है।
रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, केंद्र सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में राजद ने धरना दिया पोलो मैदान के धरना स्थल पर। कार्यक्रम है बिहार प्रदेश के द्वारा प्रस्तावित धरना कार्यक्रम है। नरेंद्र मोदी जी लोकसभा चुनाव के दरमियान में 14 से 15 वादा किए थे, जिसमें एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। आज 4 साल होने जा रहा है, फिर पुनः चुनावी माहौल हो रहा है। तो सबसे पहले कि उन्होंने घोषणा किया कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, प्रत्येक देशवासियों के खाते पर 15-15 लाख रुपया देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनवाएंगे। उसके बाद अगर पाकिस्तान हमारा 1 सर ले जाएगा तो हम 10 सर लाएंगे। उसके बाद इन्होंने बोला कि 56 इंची का सीना है। आज तक किसी भी जगह इनका कोई वैसा स्टेटमेंट नहीं गया देश स्तर पर, जिससे कि देश का जनता, देश का युवा में खुशी का माहौल बने। आज स्थिति ये है कि इन्होंने जो नोटबंदी करके GST लागू किया, जिससे कमर तोड़ महंगाई GST 22 से 23% लागू होता है, आज देश के गरीबों के बीच में अराजकता का माहौल बना हुआ है। इन्हीं सब मांग को लेकर के यह धरना का आयोजन किया गया है। एक दिवसीय धरना है ये पूरे बिहार का। क्या नाम हुआ? मोहम्मद कलाम, जिलाध्यक्ष युवा राजद धरना। ओर से बिहार प्रदेश के निर्देशानुसार प्रत्येक जिला के तमाम मुख्यालय पर आज एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। उसका मुख्य मांग है रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, यानी कमी सरकार नोटबंदी करके GST ला करके सारे बेरोजगारों को बेरोजगार बना दिया, जो रोजगार में था उसको भी बेरोजगार बना दिया। अब युवा प्रस्तावित रैली पूरे बिहार में देखने को मिल हो रहा है, इसका आज कड़ी दरभंगा में माननीय जिलाध्यक्ष युवा कलाम जी के नेतृत्व में आज पूरा दरभंगा जिला का छात्र, नौजवान और युवा और किसान सभी आज जो हमारे वर्तमान देश की जो आज परिस्थिति है बिल्कुल कोमा में चली चुके हैं, मरणासन्न स्थिति में है। शिक्षा नीति, विदेश नीति, कृषि नीति, तमाम आर्थिक नीति माननीय नीतीश कुमार जी का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूरी तरह से फैल है। उन्होंने कहा था कि देश हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अगर आज माननीय प्रधानमंत्री जी रोजगार देते तो आज हम तमाम छात्र युवाओं को आज उनके खिलाफ आप धरना पर बैठने के लिए मजबूर था। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। अपनी मांगों को लेकर भाकपा माले ने धरना दिया सदर प्रखंड मुख्यालय पर। अपनी मांगों को लेकर भाकपा माले ने धरना दिया सदर प्रखंड मुख्यालय पर। भाजपा माले पूरे राज्य में भाजपा भगाओ, बिहार बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ राजनीतिक अभियान चला रही है। और राजनीतिक अभियान के तहत दरभंगा से पटना तक पदयात्रा किया गया, गांव में पदयात्राएं की गई, फिर प्रखंडों पर धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम चल रहे हैं। और उन्हीं धरना प्रदर्शन के तहत आज हम सदर प्रखंड मुख्यालय पर दरभंगा जिला के हायाघाट, केवटी, जाले सहित कई प्रखंडों में धरना का कार्यक्रम आज चल रहा है। हम कहना चाहते हैं कि इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि आज गरीबों का काम वास भूमि कानून के तहत जमीन दिलाने का काम सदर के अंचलाधिकारी नहीं कर पा रहे हैं। 2015 में हमारे संगठन के द्वारा हजारों आवेदन दिया गया, हमें ज़मीन चाहिए, हम भूमिहीन हैं, हम वर्षों से बसे हैं, हमको पर्चा चाहिए, पर्चा मिला हुआ है, दखल दहानी चाहिए, ये आवेदन हमने दिया, हमारे साथियों ने दिया। आज तक नीतीश राज उसको कानूनी हक नहीं दिला पाया है। किसानों के गेहूं नहीं खरीदे गए। हमने देखा कि आज बिहार के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर लोकतंत्र पर हमले तेज हुए हैं,
पूंजीपति जनता की गाढ़ी कमाई लूट रही है। आज जनता को कहा गया था जन धन योजना के तहत 15 लाख रुपया दिए जाएंगे, कहीं किसी को रुपया नहीं मिला। कॉरपोरेट घराना नीरव मोदी विजय माल्या जनता के पैसे लूट कर विदेश चले गए और हमारे देश का प्रधानमंत्री चौकीदार सोए रह गए। ये आज हम देश के अंदर बिहार में सामंत जमींदारों के दबाव में, संघ भाजपा के दबाव में नीतीश राज चल रही है। गरीबों के टोले पर स्कूल नहीं बन रहे हैं, उनके स्वास्थ्य पर केंद्रों पर भवन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है। ये उनके रोजगार का सवाल मनरेगा को आज बंद करने की पूरी साजिश चल रही है। इसके खिलाफ आज जनता एकजुट होकर आंदोलन तेज करेगी, सत्ता सरकार को सबक सिखाएगी और हक अधिकार के लिए आंदोलन तेज करेगी। ये हम आज के धरना के माध्यम से हम वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। सिंहवाड़ा प्रखंड के बेदीपुर गांव में शिक्षा जागरण हेतु शिक्षा चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। में जो कमी है जिसकी वजह से हमारा देश पिछड़ रहा है या हमारा स्टेट खासकर मिथिलांचल स्टेट जो इलाका है वो पिछड़ रहा है, इसको कैसे हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करें, इसके लिए कल सिंहवाड़ा ब्लॉक के बेदीपुर गांव में जमाल फरूमी साहब जो इसके जिला परिषद तीसरी वाला विकास मेम्बर बने उनके अगुवाई में हम लोग बैठे थे, जिसमें एक्स जिला परिषद मेम्बर श्री मोदी आई वो भी थे और सोशल रजाकार हैं रजा करीम साहब वो थे और DPMI के फाइनेंस डायरेक्टर सरदार अहमद साहब, मैं खुद और मदरसा देवा के मुफ्ती मोबिन कासमी साहब के अलावा बहुत सारे लोग बैठे थे, जिसमें यह फैसला किया गया कि किस तरीके से वो काम करना, जो बच्चे हमारे बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर है नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और कब पैसे में हम कैसे बच्चे को इंग्लिश का क्लास, साइंस का क्लास और कंप्यूटर में अच्छे से बता के हम पारा मेडिकल जो 2 साल का कोर्स है उसको करा के हम उसको एक अच्छे रास्ते पर ला सकते हैं, ताकि वो समाज का भी सेवा कर सकते हैं, अपने परिवार का भी सपोर्ट कर सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, अपने साथ साथ समाज को पूजा को दिला सकते हैं। इसी सबसे हम कल बैठक हुई थी। ये थे अब तक के समाचार, विदा लें आपसे। इससे पूर्व खास खबरों पर एक नजर। ट्रेनों से चेकिंग के दौरान बरामद 213 लीटर शराब जिलाधिकारी के निर्देश पर नष्ट। सड़क मार्ग से सख्ती पर ट्रेनों से होती है शराब की कालाबाजारी। दरभंगा टावर का बदला बदला नजारा। अतिक्रमण पर पुलिस की सख्ती से लौट आया टावर अपने पुराने सौंदर्य रूप में। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से माइक्रोबायोलॉजी सेंटर का हुआ उद्घाटन। चिकनगुनिया, ड्रिंगिंग समेत सभी बीमारियों का जांच अत्याधुनिक मशीनों से संभव। 3 महीने तक सुरक्षित रहेगा सैंपल। ये थी अब तक के समाचार, विदा लें आपसे। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।